नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिधि खोरावास ब्लॉग। चलिए, बहुत अच्छी धूप के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक भी बादल नहीं है पूरे आसमान में। ये घंटी हिल गई क्योंकि आजकल धूप ही इतनी ज्यादा है ना कि बात ही नहीं कर सकते। हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा वैसे भी धूप होती है और मॉर्निंग में ना आज सारा का सारा मेरा काम हो गया है और उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे अभी मॉर्निंग होने में सिर्फ एक नहीं बट 4 मिनट बाकी है और मैं साथ साथ में माता रानी के जो भजन होते हैं वो देख रही थी और सारा काम कर रही थी। अभी गिर जाती। अभी जा रही हूँ नीचे किचन में जल्दी जल्दी से खाना बनाने, क्योंकि आजकल तो दोपहर को खाना क्या बनाए ना वही टेंशन रहती है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतना सारा खाना बनाए और हेमल को खाना होता है फ्रूट्स अलग अलग। वैसे भी फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और बैकग्राउंड में देखिए बंद हो गई, वो भी गजब बेइज्जती है। कोयल की आवाज आ रही है क्योंकि आम पकने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही आम पकते हैं, वैसे कोयल बोलती है या कोयल बोलते हैं इसलिए आम पकते हैं वो तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। आप लोगों को पता होता आप बता दीजिएगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि आज आप लोगों को ना सब कुछ दिखाने वाली हूँ मेरी शॉपिंग के। मैं कच्छ गई थी, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे से मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो सब आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी दिखाने बैठूंगी तो खाना बनाने में लेट हो जाएगा, फिर नीचे भी दूसरा काम होता है, वो सारा पहले फिनिश करती हूँ एंड देन फिर खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले वो बाद में सोचूंगी कि कब सब आप लोगों को दिखाती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, खाना बनके मेरा एकदम से रेडी हो गया है। और हाँ, एक बात तो मैं सुबह सुबह आप लोगों को बताना ही भूल गई, पहले पंखा कर लेती हूँ वरना गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या बात बताऊं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई, वो बात है कि अभी चैत्र मास चल रहा है ना, तो आज चैत्र मास की छठ है। यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे वो सावन मास की छठ और सातम मनाई जाती है ना, उसी तरह से चैत्र मास में भी छठ और सातम मनाई जाती है शीतला माँ की। तो कल हमारे यहाँ पे शीतला सप्तमी होती है, सब शीतला माँ के टेम्पल पे जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है इसमें सबसे ज्यादा कि घर पे ना खाना नहीं बनता है। कल भी वो कहते ना सारी लेडीज को छुट्टी होती है शीतला सप्तमी के दिन, जैसे सावन महीने में मनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हमारे यहाँ पे चैत्र मास में भी मनाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है, इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। शीतला माँ के टेम्पल पे हम लोग जाते हैं मॉर्निंग में, फिर माता जी को वहां पे वो कहते ना पीठ पे दही और दूध वो सब चढ़ाया जाता है एंड देन खाना बिल्कुल नहीं बनता है। और कल हम लोग गर्म खाना भी नहीं खाते हैं, उसका खाना आज ही बना के रख देते हैं। और फिर वो जो हमारा गैस होता है ना उसकी सारी पूजा करते हैं, वो सब कुछ आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी तो दोपहर का खाना बन गया है, हेमल अभी तक नहीं आए हैं और आज जल्दी खाना बन गया है, इतनी जल्दी फ्री हो गई हूँ ना। देखिए जरा, 1:30 ही हुई है, अभी हेमल को आने में टाइम है, तब तक दूसरा काम बाकी है। प्लांट्स को थोड़ा ऊपर सेट करना है एंड पानी देना है, वो करके आती हूँ। वैसे भी धूप ऊपर भी बहुत ज्यादा ही होगी और कपड़े भी भिजवाने हैं, अभी यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, इन सबको भी पैक करके ना वॉश करने के लिए भिजवा देती हूँ। हेमल आ गए हैं मार्केट से वापस और हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और खाने में क्या बना है वो अभी दिखाती हूँ क्योंकि हेमल पता नहीं कहाँ पे चले गए और अभी बोलेंगे कि बाजरी का रोटला इसमें नहीं है, उससे पहले रख देती हूँ क्योंकि प्लेट रेडी चाहिए, अगर प्लेट रेडी ना हो ना तो भी उपाधि होती है। चलिए अब जल्दी से, आज ना हेमल की फेवरेट सब्जी बनी है, मुझे नहीं पसंद है वो सब्जी बनी है जो की है यहाँ पे आलू एंड सोयाबीन की सब्जी, दाल चावल, बाजरी का रोटला। और आज इन सब का राजा ये है, आजकल यही राजा बन के रहता है क्योंकि कच्ची केरी आती है तो खाने को बहुत अच्छी लगती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके लिए स्पेशल, क्या बात है, खा लीजिए। इसमें ना मैं ऑनियन भी नहीं ऐड करती, सिर्फ होते हैं टमाटो और कच्ची केरी और साथ में ढेर सारे मसाले, सुपर्ब लगता है। चार चार मसाले है, पांचवा इसमें जलजीरा भी है। देखो जलजीरा 1 रुपए वाला, ये 4 मसाले के बगैर ये नहीं बनता। और ढेर सारी बटर मिल्क है, ये मक्खन से लॉट्स ऑफ है, एक हाथ से नहीं उठेगी वरना गिरा दूं। देखिए ढेर सारे मक्खन से भरी हुई टपेला भर के बटर मिल्क। अभी खाना खाना है ना, चलिए जल्दी से। हाँ, मुझे भूख लगी है। यस, चलिए तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर कुछ काम है वो सब फिनिश करेंगे और हेमल आज घूमने लेके जाएंगे। चलो, मैंने थोड़ी ना मना किया कभी भी, अफवाह है। जी। अभी ना हेमल ऐसा बोल रहे हैं कि कच्छ से जो शॉपिंग करके लेके आए ना वो दिखा दो। अब शाम हो गई है और देखिए 8:15 हैं और हेमल बोल के भाग भी गए, कहाँ चले गए।
वो तो फ्रेश होने चले गए हैं क्योंकि उसे भी हेमल को भी अपना काम है और 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अगर इस टाइम पे मैं सारे के सारे गिफ्ट क्या बोल रही हूँ गिफ्ट सारी की सारी शॉपिंग दिखाने बैठूंगी कि क्या क्या सब चीजें लेके आई हूँ तो मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा क्योंकि आज का खाना तो बनाना ही है बट साथ साथ में कल शीतला सप्तमी है इसलिए कल का भी खाना बनाना है क्योंकि आज रांधन छठ है और रांधन छठ के दिन ना हर एक लेडीज की ड्यूटी होती है खाना बनाने की। वो कहते हैं ना आज ओवर टाइम करना होता है, कल छुट्टी लेनी है ना, इसलिए बात तो सही है। सो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो दिखाने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और खाना इतना ज्यादा बनाना होता है ना, थेपले बनाने हैं, मटकी सब्जी बनानी है, कढ़ी बनानी है, राइस बनाना है, अलग अलग सब चीजें होती है, वो सब कुछ बना के मैं फ्री होती हूँ और फिर पूजा करती हूँ ना तो ऑलमोस्ट लेट हो जाता है, इसलिए आज नहीं दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग की है। वैसे भी कल फ्री होंगी, शीतला सप्तमी है, सो कल के व्लॉग में आएगा कि क्या शॉपिंग करके आई हूँ मैं कच्छभूत से। अभी नीचे किचन में चलती हूँ एंड सारा खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। सारा का सारा खाना बन गया है क्योंकि आज रांधन छठ थी इसलिए अब पूजा करनी है तो गैस की पूजा कर लेती हूँ और सारा काम करते करते पता ही नहीं चला रात के 10:30 बज गए थे। चले चले सब पूजा करते हैं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट वो इन सबको ना धोना होता है और ठंडा करना होता है गैस की जो होते हैं ना स्टोव से, तो वो हो गया है। हमारे में ना यहाँ पे पारना बनाते हैं और उसमें छोटे से बच्चों को सुलाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। बस अब सब इसकी पूजा करनी है और हो गया सब कुछ, रांधन छठ की पूजा कंप्लीट। यहाँ पे पहले स्वस्तिक बना लेती हूँ। ये रुई की हार बनाई है, इसमें हमारे गुजराती में चरांगड़ा कहते हैं, इसे पहना देंगे, पालने में पहना लेगा और फिर फूल चढ़ा देंगे। फिर ये धोखर है, जगन बापा को होती है ना दुर्वा, दुर्वा को यहाँ पे चढ़ाएंगे और पूरे के वो स्टोव है ना हमारा पूरा ये उसे इस तरह से फूलों से सजा देंगे क्योंकि कल नो खाना बनाना इसलिए पूरा गैस इस तरह से सजा हुआ रहेगा। हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से ये चैत्र मास की भी रांधन छठ है वो मनाई जाती है और सावन मास में तो मनाई जाती है मैंने पहले ही कहा, बट चैत्र मास में भी मनाई जाती है और रात को ये गैस हम लोग सजा के इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात को ना शीतला माता इसमें वो गरबा खेलने के लिए आती है इसलिए इसे ना ठंडा रखना होता है, अगर वो गर्म होगा तो माता जी को शरीर में थोड़ी वो कहते हैं ना जलन होगी, उसकी वजह से हम लोग इसे ठंडा करके रात को ही रख देते हैं। तो बोलिए जय शीतला माँ, कल सबको शीतला सप्तमी है, शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल शीतला सप्तमी है वैसे, पर आज सब कुछ पूजा करके हम लोग रख देते हैं। कल नो खाना बनाना, नो गरम खाना खाना, पूरा दिन ठंडा खाना ही खाते हैं, चाय भी गरम नहीं पीते हैं, कुछ नहीं। सो आप सबको भी शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि सिर्फ खाना बना है और ये यहाँ पे पूजा हुई है, अभी बर्तन घिसना बाकी है। सो वो सब काम फिनिश करूंगी, व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows.